पत्थलगांव से बड़ी खबर, जहां पर दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। बगीचा थाना से ये आरोपी फरार हुआ। हथकड़ी खोल के छत से कूद कर ये फरार हुआ। पुलिस को अब तक इसका सुराग नहीं मिला है। 3 पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रमेश शर्मा हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, बकायदा ये आरोपी हथकड़ी खोलकर छत से कूदकर फरार हो गया और पुलिस देखते रह गई। फिलहाल इस आरोपी के बारे में क्या जानकारी मिली है और क्या कार्रवाई हुई है पुलिस पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये अपहरण और दुष्कर्म का एक बड़ा गंभीर मामला था। इसने एक नाबालिग बच्चे के को ले जा भरा के ले गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस बच्चे के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस पे पास्को एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम करके इसकी तत्काल खोजबीन शुरू कर दी थी और पुलिस की काफी मशक्कत के बाद ही इसको कोरबा से गिरफ्तार किया गया था। और जब इसको यहाँ पर बगीचा में लेके आया गया तो ये बगीचा में ये थाने के ही अंदर में इसको हथकड़ी बांधकर इसको रखा गया था। इसी दौरान ये अपनी हथकड़ी खुलाकर और पुलिस थाने की छत पर चढ़ गया और छत से कूद कर किसी तरह से वहां से फरार हो गया था। इसको पुलिस को काफी देर के बाद में जब ये उसके रूम में ये इसको नजारा देखा तो पुलिस को पता चला कि ये गायब हो गया है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जो है उसके सहारे इसको पता किया तो जब उसमें जानकारी मिली कि इसने छत से कूद कर यहां से फरार हुआ है। इस मामले में जो बगीचा की SDOP है निमिषा पांडे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये अभी तक उसकी लगातार खोजबीन की जा रही है लेकिन अभी तक इस आरोपी का कहीं भी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस आरोपी के विरुद्ध में हथकड़ी खुलाकर भागने का एक और मामला दर्ज कर लिया है और इसमें SDOP ने बताया कि 3 पुलिस कर्मियों को सो का नोटिस दिया गया है। फिलहाल इस आरोपी के लिए सरगर्मी से तलाश तो की जा रही है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये जशपुर जिले में एक लव जिहाद का मामला बना था और उसमें उसको लेकर जिस इसमें पुलिस ने तत्परता तो गिरफ्तार करने में दिखाई थी लेकिन अब फिर ये आरोपी फरार हो गया है तो इसको लेके लोगों में एक आक्रोश का वातावरण देखा जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री का गृह जी होने के बाद में पुलिस काफी सतर्क होकर काम कर रही है लेकिन अब पुलिस को यहाँ पर इस टाइप के कानून व्यवस्था को लेकर और सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रमेश आपका। हथकड़ी खोलकर छत से कूदकर ये आरोपी फरार हो गया, यानी कि जिस तरीके से रमेश बता रहे थे हमारे सहयोगी कि ये धर्मांतरण से जुड़ा एक मामले में भी ये दुष्कर्म का आरोपी है और ऐसे में लोगों में खासा आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है।